channel and welcome back to another video. Hi bro. So system. चुप हो जा पागल. तो आज हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाने. वड़ा पाव का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मुंबई में कितना ज्यादा फेमस है वड़ा पाव. पर मुंबई में सस्ता मिलता है ना, यहाँ पे दिल्ली में महंगा मिलता है. तूने खाया मुंबई का वड़ा पाव? नहीं, मैंने खाया क्योंकि मैं एक बार बॉम्बे गई थी. पर बहुत टाइम हो गए गए हुए. तो आज भी हम अपनी दिल्ली में वड़ा पाव ढूंढ चुके हैं, जो कि है विकासपुरी में. अभी हम वहाँ जा रहे हैं. अब देखते हैं कि वहाँ का टेस्टी होता है नहीं होता है, या फिर अपनी बेइज्जती करवा के वहाँ से आ जाएंगे. है ना, तो चलते हैं वड़ा पाव खाने. खा के देखते हैं और आपको बताते हैं फिर कि अपने ओपिनियन. हमें ना वड़ा पाव वाला ना दिख नहीं रहा है, लगता है वो मुंबई भग गया है. काठी रोल्स एंड ऑल है यहाँ पे. ये रहा, ये रहा, ये देख क्या है, ये दूसरा है. मुंबई झकास पाव भाजी. पाव भाजी है वड़ा पाव. पाव भी लिखा है ना वहाँ पे. और था पहुंच कहीं और गए हैं हम. लिखा तो है वड़ा पाव. क्या लिखा है ये? वड़ा पाव बोल तो रहा हूँ यार, वड़ा पाव लिखा है. वड़ा पाव वाले ना, इसका नाम है मुंबई झकास पाव भाजी वड़ा पाव, जो है पीवीआर विकासपुरी के एकदम सामने. अपोजिट सामने की बात है. ओके गाइस, तो ये है मुंबई वड़ा पाव. जिनके पास अभी वड़ा पाव ही अवेलेबल था, सिर्फ चीज़ वड़ा पाव नहीं है. ये मुंबई झकास वड़ा पाव पे अभी कुछ है ही नहीं एक तरह से. तो हम मसाला वड़ा पाव खा रहे हैं यहाँ से. चुप रहे, मसाला वड़ा पाव खा रहे हैं. और उसके बाद हम एक और जगह अभी ट्राई करने जाने वाले हैं, तिलक नगर में वड़ा पाव खा रहे हैं. उसका नाम हमको नहीं पता, वो गूगल पे सर्च कर उसका खा रखा है. उसके अच्छे हैं मतलब, और प्राइस भी मतलब ठीक है, 40 रुपये 30 रुपये. हाँ, तो देखते हैं अभी यहाँ से एक खा के फिर वहाँ पे एक खाएंगे. यहाँ से हमारा मसाला वड़ा पाव एक ही पीस लिया है हमने. दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है. ये जो वड़ा पाव है, मसाला वड़ा पाव ये खा रहा है, ये बता कि कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा है भाई. टेस्टी है या नॉर्मल है? अच्छा है. अभी मैं खाऊँ तो ये है वड़ा पाव मसाला. वड़ा पाव कैसा है? अच्छा है. अच्छा मतलब फर्स्ट लोकेशन सक्सेसफुल रही. एक्चुअली फर्स्ट टाइम खाया ना, नहीं सेकंड टाइम खाया ना, तो इतने टाइम पहले खाया था, तो टेस्ट ना बता नहीं सकते मैं किससे कंपेयर करूं टेस्ट में, ये सोच रही हूं. पर है बढ़िया. नाइस. ओके 10 out of 8 दूंगी मैं इसको. ओके, जो था मसाला वड़ा पाव मेरे को अच्छा लगा. मतलब मैं अच्छा इसलिए बोल सकती क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है कंपेयर करने के लिए. और मतलब ठीक है, एक मसाला वड़ा पाव इज 50 rupees का, और दिल्ली में लोगों को स्कूटियाँ चलानी नहीं आती है, वो ये मरता कसम से है ना. हाँ, तो 50 rupees का मसाला वड़ा पाव था, जो कि ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग ना. तू बता मतलब ठीक है. अभी वहाँ देख भाई, मैंने फर्स्ट लोकेशन इस पे खाया है. हाँ, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो ये फिर मैं टेस्ट कंपेयर कर सकती हूँ. और प्राइस तो नेक्स्ट लोकेशन हमारी है तिलक नगर पे, हम जा रहे हैं. अब हम ये श्योर नहीं कि तिलक नगर वाला खुला है नहीं खुला. अगर वो नहीं खुला होगा तो फिर इसी का ही हम फाइनल रिव्यू देंगे. अगर वो खुला होगा तो फिर देखते हैं. तो तिलक नगर में गोल चक्कर से राइट हो के आप सीधा सीधा हो गए तो ये भैया की शॉप है, जो यहाँ पे लिखा है वड़ा पाव. ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, यहाँ पे इनकी शॉप है. ये है इनका वड़ा पाव. हमने दोनों जगह का वड़ा पाव जो है टेस्ट कर लिया है, विकासपुरी वाला भी और ये जो तिलक नगर में था वो भी टेस्ट कर लिया है. अब है मेरे पास कुछ कंपैरिजन करने के लिए, तो मैं बता सकती हूँ. तो विकासपुरी की बात करें तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगा, चाहे उसका मतलब वो एक तरीके से जो देसी चीज़ होती है ना, जो मतलब शायद से मुंबई में वैसा मिलता हो, मसाला वगैरह वैसा बनता हो, वो प्रॉपर वैसा था. और जो हमने अभी तिलक नगर में खाया, ये थोड़ा सा मतलब कि आप ये मान लो कि ये वो था, क्या कहते हैं, दिल्ली टेस्ट, दिल्ली टाइप का टेस्ट था. और इनके पास चीजें बहुत ज्यादा थी. हाँ, तिलक नगर वाले के पास वैरायटी ज्यादा थी वड़ा पाव की, और चटनियां इसके पास ज्यादा थी. वैरायटी इनके पास होगी कम से कम 10 तरीके की वैरायटी थी. हाँ, और इनके पास चाप भी है एक, इनकी KFC चाप, वो चाप मलाई चाप सब है. KFC वो क्रिस्पी चाप, वो बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा. वो कभी आप जाओ तो ट्राई जरूर करना, मस्ट रिकमेंडेड है वो मेरी तरफ से. यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखी, ये है ट्रिगर इंसान एंड एल्विश यादव का पोस्टर.
लोग सब चाह रहे हैं कि इनमें से कोई एक बिग बॉस जीते, क्योंकि एल्वेश जीतेगा, एल्वेश ट्रॉफी आएगी, एल्वेश कम्युनिटी, एल्वेश भाई अभिषेक लेके गुड़गांव आएगी ट्रॉफी, गुड़गांव सर शर्त लगाएंगे, और बोल शर्त लगाए तू, वजीराबाद आएगी भाई, मैं कहूंगी फुकरा इंसान जीतेगा, सिस्टर पांडा, पांडा गैंग, एल्विश आर्मी। तू कितना गंदा है कि पहले अभिषेक था तो अभिषेक अभिषेक कर रहा, एल्विश आ गया, एल्विश आने के बाद ही तो एल्विश ने दिखाया सिस्टम, हर जगह सिस्टम सिस्टम हो रही है, कुत्ता है तू कसम से, न्यूयॉर्क तो सिस्टम सिस्टम हो रही है, कौन दे नगर वाला था, इसके पास मतलब वैरायटी ज्यादा थी, मतलब कि मसाला दे रहा था, जैसे वड़ा पाव के साथ जो चीजें दी जाती है मसाला, मतलब मसाला और ग्रीन चिली दी जाती है नॉर्मली, इसके पिए मतलब मोमोज की चटनी, ये चटनी वो चटनी और हर चीज बताना, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था एक तरह से, है ना, पर मेरे को टेस्ट ज्यादा तो विकासपुरी वाले का, क्योंकि उसका थोड़ा देसी है यार, इसका थोड़ा सा ना मतलब दिल्ली स्टाइल का है, पर अगर आप खाओगे ना तो आपको बहुत अलग लगेगी चीज की, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप खा रहे हो और अगर कोई बड़ा यूट्यूबर गया, सच्ची में ट्रेंडिंग पे आएगा ये, गारंटीड ट्रेंडिंग पे आएगा ये, क्योंकि उसके पास आइटम्स इतनी सारी है, चीजें इतनी सारी है जो मैं आपको ऐसे बता भी नहीं पाऊंगा, मतलब सिचुएशन में बड़ा पाव दोनों ही अच्छे, मैं तो दोनों जगह ही रिकमेंड करूंगी, दोनों अपनी अपनी जगह, अगर आपको थोड़ी ज्यादा वो चाहिए वैरायटी चाहिए तो आप तिलक नगर जा सकते हैं, अगर आपको देसी खाना ही तो फिर आप विकास पे, तो बाकी ओवरऑल दोनों अच्छा था, किसी को भी मैं बुरा नहीं कहूंगी, दोनों ही बड़े अच्छे थे, किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है, आजकल ये ज्यादा चल रहा है हेट गेम, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड वोट फॉर एल्विश, वोट फॉर फुकरा इंसान, वोट फॉर, बाय।